वो अमेरिका में एक बहुत बड़ी लॉटरी होती है, लॉटो, पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान की पॉलिटिकल लॉटो निकल आई है. दे हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स सीरियसली. वो कल एक बड़े सीनियर पीएमएलएन लीडर से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा यार वजीर बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, तो उसने कहा वजीर का तो नहीं पता लेकिन मैंने बड़े होके आसिफ जरदारी बनना है. तो दिस इज द सिचुएशन. लेकिन मुल्क में गवर्नेंस का क्राइसिस नहीं है, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्राइसिस पीएमएलएन के लिए है. इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनको सारी चीज़ें माननी है, करना है. और आज भी जब आपने बयान सुने बिलावल भुट्टो साहब के, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हमने मिनिस्ट्रीज नहीं लेनी. और ये कल भी हुआ है, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप भी कंफर्म कर लें, सुना है कि कल नवाज साहब की बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत से बात हुई टेलीफोन पे, तो वहाँ से भी शायद उनको यही जवाब मिला है कि आप चलें फ्रंट चलें. इन बहुत अहम मुज़ाकरात की मज़ीद मालूमात लेंगे, इस पर तजिया हासिल करेंगे. मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी न्यूज़ एनालिस्ट मोहम्मद मालिक हमारे साथ हैं. बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मालिक साहब. आपकी क्या ख़बरें हैं, क्या हम इसको डेडलॉक कहेंगे? एक बड़ा डेडलॉक है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान, और अगर डेडलॉक है तो इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? ये डेडलॉक नहीं है, ये चोक होल्ड है, लेकिन सिर्फ पीएमएलएन के लिए. गवर्नमेंट भी बनेगी, आप देखिएगा, पीएमएलएन लीड भी करेगी, बिकॉज उनके पास चॉइस नहीं है. खान साहब, दे हैव बिन टोल्ड कैटेगोरिकली कि आपने गवर्नमेंट बनानी है सेंटर में अगर आपने पंजाब में गवर्नमेंट लेनी है. ये एक जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए ये गवर्नमेंट बनेगी. और इसलिए पीपल्स पार्टी इतना एग्रेसिव खेल रही है, बिकॉज उनको पता है कि एक बाइंड में है पीएमएलएन. उनके पास ये ऑप्शन नहीं है पीपल्स पार्टी की तरह कि वो हट जाएं, बिकॉज अगर वो सेंटर से हटते हैं तो फिर उनको पंजाब भी उनके हाथ से जाता है. पीपल्स पार्टी अगर सेंटर से हट गई है तो उसके पास सिंध भी है 200%, और बलूचिस्तान भी उनके पास है, इसलिए वो उनका बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. लेकिन आपने जिस चीज की बात की, जो आपने फरमाया कि कैटेगोरिकली टोल्ड कि आपको गवर्नमेंट बनानी है, आपको पंजाब में गवर्नमेंट उसी सूरत में बनेगी, तो ये जो कैटेगोरिकली टोल्ड है, जाहिर इसकी वजह, उसकी ज़रूरत इसलिए है कि पाकिस्तान को हुकूमत चाहिए और एक कोलिशन गवर्नमेंट बननी है, वरना तो ये इलेक्शन स्क्रैप हो जाएंगे, बहुत बड़ी तबाहकुन बहरान होगा. तो ये जो कैटेगोरिकली टोल्ड है, ये सिर्फ पीएमएलएन तक के लिए तो मुख्तस नहीं है, बेपनाह इन्फ्लुएंस है कैटेगोरिकली टोल्ड का पीपल्स पार्टी के ऊपर भी. और अल्टीमेटली क्या उनके पास ये मौका है कि वो डिफाई करे इस किस्म की किसी सिचुएशन को और कहें कि जी हम नहीं जाते हुकूमत में? नहीं, उन्होंने देखिए उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ ट्रू. लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हम गवर्नमेंट तो बनवा रहे हैं, हम गवर्नमेंट के अंदर बैठना हमारे लिए नामुमकिन है स्टेज के ऊपर. और अभी जो वो वक्त ले रहे हैं वो इस बात पे ले रहे हैं कि जी हम पहले कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स हमें सारे मिल जाएँ, तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरा, ताकि दे आर बाइंग टाइम. अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स का मतलब है, चले आपको स्पीकर फ़ौरन मिल जाएगा, आपको सदर भी नहीं मिल सकता अभी, वो भी आपके सेनेट के इलेक्शंस मार्च है, तो मार्च तक के उनके पास टाइम है, चेयरमैन सेनेट की वजह से भी प्रेसिडेंट की वजह से भी, इसलिए वो उनको ये स्ट्रेस नहीं है, वो अभी टाइम बाय कर चुके हैं. इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो दो तीन चोकिंग पॉइंट्स हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर वाला चोकिंग पॉइंट है, वो भी नहीं है. सेनेट की चेयरमैनशिप साफ इनकार कर दिया पीएमएलएन ने, वो नहीं देंगे. आज जो नया ट्विस्ट एक और भी आया है पिछले 48 घंटे में कामरान, वो ये है कि काकड़ साहब का भी नाम अब आ गया मार्केट में, कि जी काकड़ साहब भी चेयरमैन सेनेट के में इंटरेस्टेड हैं, आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर, और जाहिर है उनको. लेकिन भाई साहब, आपको पता है ना कि ये जो चेयरमैन सेनेट है, ये तो एक मुख्तदर हलकों की पोजीशन है. यहाँ पर जमात से ज़्यादा जो है वो एक जो हमारा जो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर सेक्टर है, ब्लॉक है, उसकी ये सीट है. और उसके लिए जाहिर है कि एक प्रेफर्ड कैंडिडेट है, पहले सादिक सिजरानी साहब रहे और अब काकड़ साहब हैं, क्योंकि ये बलूचिस्तान को हम देते हैं ये, तो इसमें तो शायद ये दोनों ने तय कर लिया है कि अच्छा इसमें तो हमारे में किसी का भी स्टेक नहीं है. नहीं, लेकिन अब ये देखिए कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं कामरान, उसने सब की निगोशिएटिंग पावर्स डैमेज की हैं. उसने अगर पीएमएलएन की बहुत ज़्यादा डैमेज की है, पहले उससे पहले आपको याद है बहुत ज़्यादा डिमांड्स होती थी पिंडी से. अब जो पीटीआई का टर्न आउट हुआ है और जो पीटीआई ने जितनी सीट्स ली हैं, इसमें जो मुख्तदर हल्के हैं उनके लिए भी वो पोजीशन नहीं रही
कि वो बस कह देंगे तो लोग खड़े हो जाएंगे, वो कह देंगे तो लोग बैठ जाएंगे. एवरी द होल डायनामिक्स ऑफ पावर हैव चेंज्ड. इसलिए वो भी अब उनको ले एंड दे ज़्यादा हो रहा है. और उसमें सबसे बेहतरीन पोजिशन इस वक्त पीपल्स पार्टी की बन गई है, क्योंकि वो गवर्नमेंट बनवा सकते हैं और गवर्नमेंट बनाने पर तैयार हैं. उनको हो चुका है. अब वो कहते हैं स्पीकर भी हमें होना चाहिए. गवर्नर्स मांग रहे हैं दो या तीन, बल्कि तो चारों मांग रहे थे, मगर अभी भी वो दो तीन से कम पे तैयार नहीं है. फिर एक नई चीज है जो कि जिसका कोई ज्यादा शोहरा नहीं हुआ है, वो कहते हैं एमक्यूएम को भी शामिल ना करो इस हुकूमत में. क्यों एमक्यूएम को क्यों शामिल कर रहे हो? एमक्यूएम तो हमारी जाहिर के हरीफ है सिंध के अंदर, और उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि हम जिस कैबिनेट में ना हो वहाँ एमक्यूएम की एक अच्छी पोजीशन हो जाए. वो एक नई चीज़ ले आए हैं, उन्होंने कहा कि इनको भी निकालो इधर से. एमक्यूएम के ऊपर दो बातें चल रही हैं कामरान. एक तो अगर एमक्यूएम को गवर्नमेंट में बनना भी है तो वो उनसे दो मिनिस्ट्रीज चाह रहे हैं कि वो उनको बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए. एक पोर्ट्स एंड शिपिंग और एक वो आईटी की मिनिस्ट्री. पोर्ट्स एंड शिपिंग की टोटल वजूहत और हैं, क्योंकि वो उसके अंदर आपको पता है जो पोर्ट्स हैं और जो लेबर है और बाकी जो सारे काम धंधे हैं, इसलिए वो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर इनको लाना भी है तो वो इनको ना दें. और आईटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है अगले दो तीन साल में, फैसिलिटीज़ भी, और इट इज़ सपोज टू प्ले अ लीड रोल इकोनॉमिक रिवाइवल में. तो वो ये भी नहीं चाहते कि एमक्यूएम वाले उस पर क्रेडिट क्लेम करें कल को. सो अगर ये आएंगे भी तो पीपल्स पार्टी की दो शरायत में एक तो ये शामिल है कि इनको पोर्ट्स एंड शिपिंग ना मिले, आईटी ना मिले. दूसरा जो एक नई चीज़ एंटर हुई हुई है कि वो पंजाब में दो से चार मीनिंगफुल मिनिस्ट्रीज मांग रहे हैं. और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये आर्गुमेंट दिया नेगोशिएटिंग कमेटी में कि देखें हम तो हमारा वोट गया था ज़्यादा पीटीआई में, हम वो वोट वापस लेना चाह रहे हैं, हम आपकी बेस में इंटरफेयर नहीं करना चाह रहे पंजाब में. लेकिन पीएमएलएन इसको दूसरे तरीके से देख रही है. सो वो ये दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये तय हो जाएंगे. लेकिन ये आप और मैं मेरे ख्याल में इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स हैं और बड़े, यानी कि इस वक्त देखें तो प्रीटी कॉम्प्लिकेटेड एक सिचुएशन नज़र आती है. मगर हम इस बात पे वी टेंड टू एग्री हर सूरत में कि बाहर एट द एंड ऑफ द डे ये बन जाएगी, हुकूमत बन जाएगी, सबको के मज़े हैं जी. देखे ना 70 सीटों पे सीएम पंजाब आपको मिल जाए, आपको प्राइम मिनिस्टर मिल जाए, आपको पूरी गवर्नमेंट मिल जाए, 70 सीटें. और आपको मालूम है 70 की 70 में कितनी 70 है उनकी और कितनी क्या है, जो इलेक्शन रिजल्ट से आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. फिर पीपल्स पार्टी के 54 सीट्स के अंदर आपको प्रेसिडेंट मिल जाए, आपको पूरा जाहिर है कि सिंध तो मिलेगा ही. और फिर आपके पास एक इन्फ्लुएंस हो गवर्नमेंट के ऊपर कि आपके पास ट्रंप कार्ड आप होल्ड कर रहे हो, गवर्नर्स हो, एक बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हो जाए, ये तो मतलब एक गॉडसेंड एक सिचुएशन है दोनों जमातों के लिए. वो अमरीका में एक बहुत बड़ी लॉटरी होती है, लॉटो. पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान की पॉलिटिकल लॉटो निकल आई है. दे हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. सीरियसली, वो कल एक बड़े सीनियर पीएमएलएन लीडर से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा यार वजीर बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो, तो उसने कहा वजीर का तो नहीं पता लेकिन मैंने बड़े होके आसिफ जरदारी बनना है. तो यू नो सो दिस इज द सिचुएशन. लेकिन मुल्क में गवर्नमेंट का क्राइसिस नहीं है, मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ. क्राइसिस पीएमएलएन के लिए है, इनके पास ऑप्शन नहीं है, इनको सारी चीज़ें माननी है, करना है. और आज भी जब आपने बयानात सुने बिलावल भुट्टो साहब के, उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि हमने मिनिस्ट्रीज नहीं लेनी. और ये कल भी हुआ है, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप भी कंफर्म कर लें, सुना है कि कल नवासिफ साहब की बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत से बात हुई टेलीफोन पर, तो वहाँ से भी शायद उनको यही जवाब मिला है कि आप चलें फ्रंट चलें. जी, आई थिंक इस चीज़ पे अब कोई डिस्कशन नहीं है कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट पे होगी या नहीं, ये बात ख़त्म हो गई है. पीपल्स पार्टी कैबिनेट पे नहीं होगी, शायद पहले दिन से नहीं होना था, ये कहीं और डिसाइड हो चुका था कि पीपल्स पार्टी कैबिनेट पे जाएगी नहीं. फर्स्ट डे से ये पोजीशन थी, आज तक ये पोजीशन है. और फिर सब ने कह दिया है कि यार ये बस ऐसे ही ठीक है, अब ऐसे चलो. क्योंकि यहाँ एक SIFC के लिए बड़ी जगह बनानी है, एक कैबिनेट की एक बड़ी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो SIFC ने प्रोवाइड करनी है. नहीं, उसके अंदर तो लेजिस्लेशन भी आपकी आएगी, वो भी प्लान्ड लेजिस्लेशन है जिसके अंदर SIFC की डिसीजंस बाइंडिंग होगी, मगर कैबिनेट को ओवरशैडो किए बगैर. लेकिन वो बड़ी एक पोटेंट फोर्स होगी, वो उस पर होगा. लेकिन जो इनके एक दो स्टिकिंग पॉइंट्स ये भी हैं कि इनसे गारंटीज मांग रही है पीपल्स पार्टी कि आप किसी भी मौके पे NFC को
18th अमेंडमेंट को और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, इन तीन पे कोई बात नहीं छेड़ेंगे। अगर इन तीनों पे कुछ चीज़ें लाएंगे तो फिर उसके अंदर हमें वील हैव टू पार्ट वेज। प्राइवेटाइजेशन पे उन्होंने ये कहा है इनको कि आप पब्लिकली हम अपोज करेंगे, हम इसे बहुत शोर डालेंगे, लेकिन उस पर हम कर सकती है बातचीत। और एक चीज मालिक साहब हम अपने नाजरीन को बता सकते हैं कि पीपल्स पार्टी को याद दहानी कराई गई है कि अब सिंध में सिस्टम नहीं चलेगा, ये सिस्टम जो 15 साल चलता रहा इसको अब आपने खैरबाद कहना है और दिस विल बी मेड श्योर कि जी के सिस्टम अब नहीं चलेगा सिंध में, ये पीपल्स पार्टी ने देना है और जाहिर है कि सबसे बड़ा एसेट है जो कि उन्होंने 12 अब सरेंडर करना है। लेकिन कामरान, उस सिस्टम के बेनिफिशरीज खाली पॉलिटिशियंस तो नहीं है ना, कैसे खत्म होगा? लेट्स सी, मगर वो तो ग्रैंड सिस्टम है ना जी, वो तो फिर एक बहुत बड़ा सिस्टम है। और वो हम तो अभी सिंध के सिस्टम की बात कर रहे हैं, आप तो पूरे पाकिस्तान को आपने उसमें लपेट में लिया है। नहीं नहीं, मैं तो सिंध के सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं आई एम टॉकिंग सिंध प्रिसाइसली, मैं सिंध के सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि उस सिस्टम में खाली बहती गंगा में सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, बाकी लोग भी हैं, तो ये एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, दोनों हाथों से ताली बजेगी। आई टोटली एग्री, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जाहिर है कि इतना बड़ा सिस्टम एक सिस्टम तो नहीं खा सकता, इसके लिए तो फिर काफी ज्यादा स्ट्रांग चाहिए, एपिटाइट भी चाहिए और फिर जाहिर है कि उसका। लेकिन हो सकता है अगला, अच्छी खबर यह है कि हो सकता है कि अगला फाइनेंस मिनिस्टर आपका शेयर ही हमें दे दे, जो नाम भी चल रहे हैं। जी 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 जी, आई होप सो। मगर ये कि वो तो सही, वो SIFC वाला है मामला ना, वो तो बड़ा एक अच्छा होगा। पाकिस्तान की होप्स इस वक्त जो है उसी सिस्टम से है, ये इस पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं है जो सामने आया, इसने उसको ड्राइव करना, और दुनिया भी उसी सिस्टम की तरफ देख रही है, उसी के मुंतजर है, इस सिस्टम की थोड़ी मुंतजर है वो, और फिर आगे भी चलना है ना अभी तो इस सिस्टम को। और दूसरा, आई थिंक आप नाजरीन को कंफर्टेबल करें, देखिए इलेक्शन नया कोई अफोर्ड नहीं करता, जो इमरान खान साहब ने सीट्स ली हैं रावलपिंडी अफोर्ड नहीं करता, पीपल्स पार्टी और PML अफोर्ड नहीं करते नए इलेक्शन। अगर ये ट्रेंड है और अगला इलेक्शन भी हो जाए, दरमियान की चीज़ें छोड़ दें जो उन्होंने अपने खतरात हदशात का इजहार किया बिलावल साहब ने, अगर अगला इलेक्शन होता है तो तीन लोग इसमें लपेटे जाएंगे, इसलिए इलेक्शन होगा नहीं, ये दोनों गवर्नमेंट बनाएंगे बिल्कुल, और PMLN के पास मजबूरी है, इनके और दूसरों की शरायत पर मानना पड़ेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, टाइम लगेगा, मगर मार्च के पहले हफ्ते में हमारे पास हुकूमत होगी इंशाल्लाह विदाउट एनी प्रॉब्लम, और फिर मार्केट्स में सूत होगी, फिर IMF से बातचीत शुरू होगी, फिर बाहर वाले जो इंतजार में बैठे हैं हमारे मिडल ईस्टर्न फ्रेंड्स, हमारे चाइना, ये सारे लोग, फिर ये IMF वगैरह ये फिर आएंगे, आई थिंक दे विल कम, क्योंकि जाहिर है कि ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये उनके लिए भी इत्मीनान का बाइस है, मतलब सिर्फ हमारे हलकों के लिए नहीं है, दुनिया में भी जरा इस पर इत्मीनान ही हो रहा है कि बस चले गाड़ी आगे बढ़े। दूसरी देखिए, जितनी केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी अभी MOU साइन किए हैं, दूसरी बात हुई है IMF के बिहाइंड द सीन्स जो निगोशिएशन चली, फिर जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, उसमें सारा अंडरराइट फ्रेंकली खुल के बात करनी चाहिए, आर्मी ने अंडरराइट किया, वो लोग आ रहे हैं, UAE हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये जो SIFC है और ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, ये पहली बार ही हो रहा है कि ओवर्ट पार्टनरशिप है अब इस्लामाबाद रावलपिंडी की ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, तो इसमें शख्सियात अब मैटर नहीं करेंगी, आई थिंक उस पराए में बड़ी डिसीजंस होंगी, और उसमें ग्लोबल पार्टनरशिप भी इंक्लूड हो गई है, तो ये बड़ा एक सेटअप बन गया।